चार हलकों में जिमनी इंतखाबात, मुस्लिम इग्नून ने मैदान मार लिया। पीपी 51 वजीराबाद में लीगी उम्मीदवार बेगम तलत चौकत ने तहरीक इंसाफ के मोहम्मद यूसुफ को शिकस्त दे दी। पीके 63 नौशहरा में भी नू लीग ने पीटीआई को अपसेट कर दिया। इख्तियार वली खान ने मियां उमर के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली। एनए 75 डस्का में भी लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तार को तहरीक इंसाफ के अज्जत मलही पर बरतरी। एनए 45 जिला कुरम में पीटीआई के मलिक फखरुजमान आजाद उम्मीदवार से आगे। वजीराबाद का ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर लीगी रहनुमाओं की कारकुनों को मुबारकबाद। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमती हथकंडों के बावजूद मुस्लिम इग्नून ने इलेक्शन छीन लिया। तरक्की का जो सफर 2018 में टूटा था वो अब दोबारा बहाल होगा। एहसन इकबाल बोले, इमरान न्याजी को इक्तदार अब छोड़ना पड़ेगा। लीगी कारकुनों ने न्याजी और धांधली को शिकस्त दी। साबिक हुक्मरान खुद, उनके बच्चे, मुंशी सब बाहर रहते हैं। लगता है ये गवाल मंडी में नहीं बरतानिया के मोहल्लों में पैदा हुए थे। वजीर आजम का दौरा मियांवाली और अटक, इमरान खान ने कहा, जिन ममालिक के सरबरा और वजीर करप्शन करें वो तबाह हो जाते हैं। कैसी जमहूरियत है जहां सियासतदानों की कीमतें लग रही हैं। सेनेट इलेक्शन में मंडी आज से नहीं 30 साल से लगी हुई है। अपोजिशन हमारे लोगों को खरीद कर सेनेट में अपने ज्यादा लोग लाना चाहती है। सेनेट इंतखाबात से कबल रातों में तेजी। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का रबता, सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। यूसुफ गिलानी की कराची में आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात। साबिक वजीर आजम लाहौर आकर नून लीग की क्यादत से भी मिलेंगे। सेनेट इंतखाबात से कबल फैसलाबाद में सियासी सरगर्मियां। राजा रियाज के डेरे पर पीटीआई के अरकान असेंबली की बड़ी बैठक। अब्दुल हफीज शेख, गवर्नर पंजाब शफकत महमूद और दीगर शख्सियात की शिरकत। चौधरी सरवर ने कहा, वफाक की अलामत हूं और वफाक के इलेक्शन के लिए आया हूं। अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, अरकान की खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज और दीगर को मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों में पहुंचाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 220 के तहत हुक्म देते हुए मजीद कहा, वोट का इस्तेमाल बुनियादी हक है। किसी ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। ओपन बैलेट रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए। सियासी जमातों के इत्तेहाद से मुतनासिब नुमाइंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। रजा रब्बानी बोले, सियासी इत्तेहाद आम तौर पर खुफिया ही होता है। हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी इत्तेहाद में फर्क है। कोई इनफरादी शख्स सेनेट मेंबर बनना चाहे तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है, आपने क्या डिलीवर किया है? जो आप कहते थे उसका आप उल्ट करते जा रहे हैं। बिजली का जो एक यूनिट है वो 28 रुपए का दिया जा रहा है। आप लोगों ने जो यहां पे लगाई थी उसका खुमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दो पार्टीज की है। कौमी असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन में गर्मा गर्मी। परवेज अशरफ ने सवाल किया, इमरान खान कहते थे बिल ना दो, आज बिजली महंगी है, बिल दूं या ना दूं? उमर अय्यूब बोले, महंगाई पिछली हुकूमतें ने बिछाई। शाहिद खाकान का सदारती ऑर्डिनेंस एजेंडे में ना रखने पर कवायद की खिलाफवर्जी का इल्जाम। स्पीकर ने कहा, उन्हें रूल्स ना सिखाएं। आर्मी चीफ से अमरीकी सेनेट कॉम के नए कमांडर की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल कैनेथ मैकेंजी ने इलाकाई सूरतेहाल पर बातचीत की। आर्मी चीफ से रूसी सदर के खसूसी एलजी जबीर काबलोफ ने भी मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अमन
खित्ते के मफाद में है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने से मोटरवे M3 को लाहौर से समुंदरी तक बंद कर दिया गया। सियालकोट लाहौर मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। क्रिकेट के दीवानों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीजन का आज से आगाज होगा। पहले मैच में रात 8 बजे दिफाई चैंपियन कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। दोनों टीमों में कई बड़े नाम शामिल। बाहमी मुकाबलों में कोयटा ग्लैडिएटर्स को कराची किंग्स पर सबकत हासिल है। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी होगी। तमाशाइयों के लिए मास्क लाजमी करार। PSL 6 के लिए लाहौर कलंदर्स ने नया गाना रिलीज कर दिया। मारूफ गुलूकार इब्रारुल हक ने आवाज का जादू जगाया। बोल कलंदर नामी गाने की वीडियो में लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की टॉप परफॉर्मेंस को शामिल। गाने की वीडियो शायकीन में बेहद मकबूल। अमेरिका आजाद दुनिया की कयादत के लिए वापस आ गया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं अमरीकी दोस्तों का साथ देने के लिए इत्तेहादी भी तैयार हैं। दुनिया के मुश्किल तरीन मकासद के हसूल के लिए अमरीका का साथ देने के लिए तैयार हैं। का फायदा ये हो सकता है कि रिकवरी का एक आलमी निज़ाम बनाया जा सकता है। और लंदन में जदीद फैशन के रंग मौसीकी के संग डिजिटल लंदन फैशन वीक में रंगारंग मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने कैटवॉक से देखने वालों के दिल मोह लिए। नौशहरा के ज़िमनी इंतखाबात में बड़ा अपसेट। PDM के मुश्तरका उम्मीदवार इख्तियार वली ने मैदान मार दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक इख्तियार वली ने 21,122 वोट लिए हैं। ज़िमनी इंतखाब में PTI अपनी जीती नशिस्त का दिफा न कर सकी। लीगी उम्मीदवार की रिहाइशगाह पर जीत की खुशी में जश्न का समा। उधर कुरम से NA 45 में PTI और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला। सैयद जमाल को PTI के उम्मीदवार और फखर जमान पर सिर्फ 150 वोटों की बर्तरी हासिल है। PK 63 नौशहरा पर ज़िमनी इंतखाबात में PTI अपनी जीती हुई नशिस्त का दिफा ना कर सकी। वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक के अबाई जिला नौशहरा में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इख्तियार वली ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नतायज के मुताबिक इख्तियार वली ने 21,208 वोट हासिल किए, जबकि मद्दे मुकाबिल PTI के उम्मीदवार मियाँ उमर काकाखेल ने 17,097 वोट हासिल करके दूसरी पोजिशन हासिल की।